नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय पर्यटन मंत्री अजय भट्ट का नैनीताल दौरा, पालिका कर्मचारियों को वितरित किया आधुनिक उपकरण, कहा आपदा के लिए 413 करोड़ का दिया राहत पैकेज। उत्तराखंड में वन विभाग का आज से पौधारोपण अभियान, प्रदेश भर में 1,30,00,000 पौधे लगाने का लक्ष्य, हर रेंज में विकसित किए जाएंगे हरेला वन। केदारनाथ मंदिर में मोबाइल ले जाने पर बैन, महिला ब्लॉगर के प्रपोजल वाले वीडियो के बाद फैसला, श्रद्धालुओं को सभ्य कपड़ों में आने को कहा गया। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी, भूस्खलन से कई मार्ग बंद, गंगा में उफान, जलस्तर में जबरदस्त उछाल, पूर्व सीएम रावत ने दिया धरना। सोमवती और हरियाली अमावस्या आज, हरिद्वार में हर की पैड़ी पर हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में डुबकी, भगवान शिव का किया जलाभिषेक। और अब देखेंगे खबरों को विस्तार से। केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट नैनीताल पहुंचे हैं। नैनीताल पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने नगर पालिका पार्क में स्वच्छ भारत अभियान के तहत पालिका कर्मचारियों को आधुनिक स्वच्छता उपकरण वितरित किए। अजय भट्ट ने कहा कि स्वच्छता मिशन के तहत CSR फंड से 26,00,000 रुपए की लागत के आधुनिक उपकरण बांटे जा रहे हैं। प्रदेश सरकार 10 करोड़ की रुपए लागत से हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में कैटलैब लगाने जा रही है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए केंद्र सरकार ने 413 करोड़ का फंड दिया है ताकि आपदा प्रभावित क्षेत्रों को राहत मिल सके। BEL से करीब करीब 9-10 करोड़ रुपए हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब लगाने के लिए मांग रहा हूं, जो एग्रीमेंट होना शेष रह गया है, स्वीकृत हो गया है। अब पूरे क्षेत्र में हार्ट के ऑपरेशन करना बहुत सरल हो जाएगा जब कैथ लैब लग जाएगी। आज तक यहां कैथ लैब थी ही नहीं, तो इस तरह से जो भी पूर्ति कर सकते हैं, हम धीरे धीरे करके हर चीज़ की पूर्ति हम CSR मद से करवा रहे हैं। मसूरी में उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट द्वारा भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान के तहत मसूरी में भाजपा कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क कर पार्टी को मजबूत करने के लिए सुझाव लिया। मसूरी में भाजपा महिला मोर्चा देहरादून महानगर उपाध्यक्ष पुष्पा पड़ियार और अन्य महिलाओं ने पुष्प देकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट का स्वागत किया। इस मौके पर एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में हरेला पर्व और आगामी 2024 के चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। वहीं सभी महिलाओं से अपने अपने बूथों को मजबूत करने का आह्वान किया गया। देखिए, हरेला हमारा पूरा लोक पर्व है, वो हम वर्षों से इसको मनाते आ रहे हैं। बड़े हमारा क्योंकि ये स्थानीय त्यौहार है उत्तराखंड देवभूमि में, बहुत वैसे तो बहुत सारे अनेकों त्यौहार हैं लेकिन यह एक विशेष पर्व है और विशेष तरह से मनाया जाता है। तो बहुत ही खुशी के साथ आज हम सब, मैं यहाँ पर मसूरी आई हूँ अपनी बहनों से मिलते हुए, और हमने क्योंकि आगामी जो हमारा जो अनेकों और कार्यक्रम आने वाले पार्टी के संगठन की तरफ से भी, उनको भी हम करने वाले हैं, लेकिन आज जो मैं जो हरेला का जो पर्व है उसको मनाने के लिए विशेष रूप से यहाँ पर आई हूँ।
चंपावत में पुलिस ने क्षेत्र में भांग की खेती के खिलाफ अभियान चलाया। एसओ देवनाथ गोस्वामी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने पाटी ब्लॉक के रिखोली गांव में ग्रामीणों के द्वारा बड़ी मात्रा में 20 नाली भूमि में उगाई गई भांग की खेती को नष्ट किया। एसओ देवनाथ गोस्वामी ने बताया कि पुलिस की रिखोली गाँव में ग्रामीणों के द्वारा बड़ी मात्रा में भांग की खेती करने की सूचना मिली है, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रविवार को रिखोली गाँव में जाकर 20 नाली भूमि में उगाई गई भांग की खेती को पूरी तरह नष्ट कर दिया। थाना पाटी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रिखौली में आज लगभग 20 नाली खेतों में उगी हुई भांग की जो है खेती जो है हमारे द्वारा जो है नष्ट की गई है, जिनके जो है खेत स्वामियों का पता लगाया जा रहा है, उनके विरुद्ध जो है नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्रवादियों से निवेदन है कि भांग की खेती करना जो है कानूनन अपराध है, अपनी खेती को स्वयं नष्ट कर लें। जिनकी अगर खेती अगर करते हुए जो पाया जाएगा उसके विरुद्ध जो है विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रुड़की सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता जी के आशीर्वाद से संत निरंकारी मिशन की सामाजिक शाखा संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा रुड़की क्षेत्र के बाढ़ ग्रस्त प्रभावित और विस्थापितों के लिए राहत सामग्री वितरित की गई। 6 टन भू सूखे राशन के 400 पैकेट बाढ़ ग्रस्त लोगों को घर घर जाकर वितरित किए। गई हैं और मैं पहले इनका हार्दिक धन्यवाद करती हूं कि ये वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है उसको जीवित रखने का एक सार्थक प्रयास है और ऐसे ही प्रयासों की आवश्यकता है। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से मेरे को आदेश किया गया कि मानव को हो मानव प्यारा, एक दूजे का बने सहारा और मानव की सेवा करने के लिए सतगुरु माता सुदीक्षा जी के आदेश के मुताबिक यहाँ पर जैसा भी प्रशासन से हमें आदेश आया और तुरंत ही हमारे सेवा दल ने कल ही राशन खरीद कर पैकेट बनाए और अभी हम 400 पैकेट जहाँ जहाँ प्रशासन के अधिकारी हमें कहेंगे वहाँ पर गांव में राशन बांटा जाएगा। उत्तराखंड में हरियाला पर्व यानी आज से वन विभाग पूरे प्रदेश में वृहद पौधारोपण अभियान शुरू करने जा रहा, जिसके तहत प्रदेश भर में 15,000 हेक्टेयर भूमि पर 1,30,00,000 पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। वन विभाग के मुखिया अनूप मालिक ने बताया कि वन विभाग की हर रेंज में हरियाला वन विकसित किए जाएंगे और अगले 5 से 6 साल उन्हीं क्षेत्रों में वृक्षारोपण होता रहे, इसकी उचित देखभाल भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाला पर्व से इस वृहद वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत होगी, जिससे कि पर्यावरण संतुलन और वन्य जीवों के लिए वास स्थल सहित कई आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। प्रदेश में लगभग 15,000 हेक्टेयर इस साल हमारा टारगेट है और एक करीब करीब 1,25,00,000-30,00,000 पौधे हम लोग रोपित करेंगे। इस साल हम एक जो महत्वपूर्ण कार्य कुछ प्लांटेशन से संबंधित कार्य कर रहे हैं वो है हर एक रेंज स्तर पे हरेला वन हम लोग विकसित करेंगे और ये हरेला वन जो हैं हम प्लानिंग इस ढंग से कर रहे हैं कि उनमें अगले 5-6 साल तक उन्हीं एरियाज में प्लांटेशन होता रहे। केदारनाथ मंदिर में मोबाइल फोन ले जाने पर बैन लगा दिया गया है। जी हां, मंदिर परिसर में श्रद्धालु अब ना तो तस्वीरें ले सकेंगे और ना वीडियो बना सकेंगे। ये फैसला बद्री केदारनाथ मंदिर समिति ने लिया है। कुछ दिनों पहले एक महिला ब्लॉगर ने मंदिर के सामने अपने प्रेमी को प्रपोज किया था। वीडियो वायरल होने के बाद मंदिर प्रशासन ने नाराजगी जाहिर की थी। इसी को लेकर मंदिर समिति ने यह फैसला लिया है। श्रद्धालुओं को मंदिर में सभ्य कपड़े पहनकर आने के लिए भी कहा गया, साथ ही मंदिर परिसर में तंबू या शिविर न लगाने का निर्देश दिया।
गया है। आदेशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम बद्रीनाथ धाम के कपाट मात्र 6 माह के लिए खोले जाते हैं। भगवान बद्री विशाल जी के धाम में विगत कुछ वर्षों से पीएम नरेंद्र मोदी ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत मास्टर प्लान का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसे बहुत तेजी से किया जा रहा। यहां तक कि धाम में कई कार्य मास्टर प्लान के तहत पूरे होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। अब दिन दूर नहीं जब भगवान बद्री विशाल जी का धाम मास्टर प्लान के तहत पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। खास बात तो यह है कि नारायण धाम में दर्शन प्राप्त करने वाले तीर्थयात्री धाम के दर्शन करने के साथ साथ मास्टर प्लान का निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए भी पहुंच रहे हैं। तो चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम बद्रीनाथ धाम के कपाट 6 महीने के लिए खोले जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट का कार्य तेजी से पूरा होने के कगार पर पहुंच चुका है। कार्य का जायजा करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे, बने रहे जन टीवी के साथ। कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार, जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम बारीकी से करते हैं पर्दाफाश, ताकि आपको कर सकें खबरदार। क्राइम रिपोर्ट शनिवार रात 8:30 बजे। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार 6:00 बजे। खबर जो कभी बताती है सच, तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास, खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से, तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से, तो कभी मनोरंजन से।
कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है, खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रविवार को रुड़की के बाढ़ प्रभावित इलाके में जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान की मांग को लेकर धरना दिया। ये अपना विरोध दर्ज कराने के लिए हरिद्वार के रुड़की के खानपुर गांव में पानी से भरी सड़क पर एक कुर्सी पर बैठ गए। भारी बारिश के कारण साउथ सिविल कॉलोनी पिछले 6 दिनों से जलमग्न है। निवासियों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वे गंदे और बदबूदार पानी में रहने को मजबूर है। पानी में मरे हुए चूहों के साथ साथ सांप भी तैरने लगे हैं। वे पानी निकालने के लिए एक पंप और लंबे पाइप का उपयोग कर सकते हैं। लोग बड़ी कठिनाई में रह रहे हैं, बदबू उठ रही है, चूहे मरे हुए उसमें आ रहे हैं, सांप होंगे और दूसरी दिक्कतें होंगी, तो लोगों के जीवन किस तरीके से कठिनाई में। और इतना काम जिसमें कुछ पंप लगा के, यदि 3-4 पंप लगा दिए जाएं और लंबे पाइपों के जरिए पानी को बाहर कहीं निकाल दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं आ सकती। पिछले कई दिनों से हो रही भीषण वर्षा के चलते जौरासी जबरदस्तपुर का सोलानी नदी पर बना पुल टूट गया, जिससे दर्जनों गांव का संपर्क मार्ग टूट गया। वहीं पुल खानपुर विधानसभा में आने की वजह से यहां के विधायक उमेश कुमार भी पुल की हालत देखने के लिए पहुंचे और वहां मौजूद अधिकारियों से फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था कर पुल पर आवागमन चलाने की बात अधिकारियों से कही। अभी जब ये क्षतिग्रस्त हुआ था तो उस समय जो अधिकारियों से बात हुई थी ये हुआ था कि इसको वैकल्पिक तौर पर मार्ग खोल देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से कई हजार की आबादी त्रस्त है और आने जाने का आवागमन का मार्ग टूट गया है। इसका काम अभी शुरू करा दिया गया वैकल्पिक तौर पर। अब इसके लिए एक कुछ समय पहले एक बजट हमने पास कराया था, वो भी इसका पास हो चुका था, एस्टिमेट भी बन गया था इसका, लगभग 1.25 करोड़ रुपए का काम होना था इसमें। अब दोबारा एक बार इसका पुनः प्राकलन कराया जाएगा। निर्माण तो खैर नहीं, लेकिन हाँ ये कि हमें टेम्परी व्यवस्था, अस्थायी व्यवस्था की जा रही है। कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम शाम तक पूरा कर दे, जो है ना आने जाने टू व्हीलर के लिए रास्ता खोल दे, छोटे लाइट व्हीकल जैसे 4 व्हीलर हो गया छोटा व्हीकल। लोहाघाट क्षेत्र के लोगों की आस्था का प्रतीक प्राचीन गलचौड़ा बाबा मंदिर भूकटाव के चलते खतरे की जद में आ गया है। बता दें कि करीब 3 साल पहले पीडब्ल्यूडी के द्वारा बनाई गई सुरक्षा दीवार ढह गई थी। तब से पीडब्ल्यूडी के द्वारा सुरक्षा दीवार को नहीं बनवाया गया, जिस कारण बरसात के मौसम में भूकटाव होने से मंदिर खतरे की जद में आ चुका है। ग्रामीणों ने कहा कई बार पीडब्ल्यूडी और प्रशासन से मंदिर की सुरक्षा दीवार बनाने की मांग करी गई, पर 3 साल
साल बीतने के बाद भी सुरक्षा दीवार का निर्माण नहीं करवाया गया। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि अगर पीडब्ल्यूडी के द्वारा जल्द मंदिर की सुरक्षा दीवार नहीं बनवाई गई तो पूरे क्षेत्र के लोग पीडब्ल्यूडी के खिलाफ आंदोलन को मजबूर होंगे। लोनीवी द्वारा विगत 3 वर्ष पूर्व यहाँ पर जो है यहाँ नालियां बनाएगी, नालियां बनाते हुए इन्होंने जेसीबी यहाँ पे लगाया तो जेसीबी के अधिक कटाव के कारण हमारे जो मंदिर की सुरक्षा दीवार है वो टूट गई थी। हमने पीडब्ल्यूडी को बार बार ज्ञापन भी दिया और इस चीज को संज्ञान में लाने के लिए भी कहा, लेकिन इनके द्वारा यहाँ पर कोई अमल नहीं किया इस कार्य में। और धीरे धीरे बरसात का दिन है, हमारी जो मंदिर की भूमि है कटाव कट रही है धीरे धीरे। उत्तराखंड की काशीपुर महादेव नदी में बीती शाम हल्द्वानी भनबुलपुरा के एक युवक के डूबने के बाद एसडीआरएफ की टीम ने रात भर चले ऑपरेशन के बाद आज डूबे युवक के शव को बरामद किया। आप बता दें कि बीती रात काशीपुर के डीएम को सूचना मिली कि महादेव ने हल्द्वानी से सैर सपाटा करने आए 2 युवक नहाते हुए डूब गए। वहां खड़े लोगों ने एक व्यक्ति को किसी तरह बचा लिया, जबकि हल्द्वानी निवासी 20 वर्षीय कामिल नामक युवक डूबता हुआ तेज बहाव में बह गया। सूचना पर हरकत में आए प्रशासनिक अमले एसडीआरएफ की टीम ने रात भर सर्च अभियान चलाते हुए युवक के शव को तलाश लिया। कल देर शाम में घटना अभी संज्ञान में आई कि 4 बजे लगभग सूचना मिली कि एक बच्चा जो है नहर में नहाते समय बह गया। तो उसके कल ही एसडीआरएफ की टीम आके शाम से ही पुलिस की टीम एसडीआरएफ की टीम उस बॉडी को जो बच्चा बहा था उसको रिकवर करने में लगी थी, लेकिन कल देर रात तक अभियान चलाने के बाद क्योंकि जलस्तर बढ़ा हुआ था तो बॉडी रिकवर नहीं हो पाई, लेकिन आज सुबह जो है सुबह से अभियान चल रहा था बॉडी मिल गई है। नैनीताल भवाली रोड में वन विभाग के वाहन के खाई में गिरने से चालक की मौत हो गई है जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि घने कोहरे के चलते वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग ने रेस्क्यू कर 3 घायलों को 108 एम्बुलेंस से नैनीताल के बीडी पांडे अस्पताल भेजा, जहाँ चिकित्सकों ने चालक नारायण को मृत घोषित कर दिया जबकि अन्य 2 घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। और ये यहाँ पे पाइंस के पास इनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिससे वो खाई में चली गई, गहरी खाई में। पेशेंट की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी, जब वहां से लाया गया तब भी 108 में मृत अवस्था में यहाँ लाए गए। अभी हमने उसको मॉर्चरी में रखा है, बॉडी शिफ्ट की। हरिद्वार में सोमवती अमावस्या हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सोमवती अमावस्या के अवसर पर हजारों श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगाने के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा घाट पर एकत्र हुए। मान्यता है कि इस दिन नदी में स्नान करने से जीवन के सभी पाप और दुख दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। सुबह बड़ी संख्या में लोग भगवान शिव को जलाभिषेक करने पहुंचे। कुछ भक्त व्रत भी रखते हैं और विशेष अनुष्ठान भी करते हैं। यह दिन हिंदू धर्म में विशेष रूप से सावन महीने के दौरान महत्व रखता है। कि हजारों श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगाने के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा घाट पर एकत्र हुए।
और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सरफराज अली सीधे हरिद्वार से जुड़ गए हैं। सरफराज, आज सोमवती अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है, क्या कुछ खास व्यवस्थाएं की गई है वहाँ पे? जी फातिमा, मैं आपको बता दूं, आज सावन का दूसरा सोमवार है, सुबह से ही शिवभक्त शिवालयों पे जल अर्पित कर रहे हैं और इसके साथ साथ ही आज सोमवती अमावस्या भी, जिसको लेकर श्रद्धालु सुबह तड़के से हरिद्वार के गंगा घाटों पर पहुंचकर सोमवती अमावस्या पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान के लिए लाखों श्रद्धालु हरिद्वार में माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इसके साथ साथ ही मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में इन दिनों चार धाम यात्रा भी चल रही है, इसको लेकर हरिद्वार में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या जो संख्या है वो भी बढ़ रही है। सोमवती अमावस्या का जो स्नान पर्व में तड़के से ही हरिद्वार के गंगा घाटों पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे थे, इसी दिन पवित्र नदियों में स्नान करना और साथ ही साथ ब्राह्मण भोज करना, गोदान अन्न वस्त्र करना आदि दान विशेष महत्व माना गया। इसी दिन माँ गंगा को भी विशिष्ट महत्व है, माँ गंगा या किसी पवित्र सरोवर में स्नान कर शिव पार्वती एवं तुलसी की विधिवत पूजा की जाती है। इसके साथ साथ बात करूँ अगर सुरक्षा की लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। स्नान को लेकर हर की पौड़ी और अपर रोड पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मौजूद रहती है। इसी को लेकर सोमवती अमावस्या में जो मेला क्षेत्र को 11 सुपर जोन, 22 जोन, 42 सहायक जोन, 93 सेक्टरों में बांटा गया है, तो वहीं जो सुपर 11 जोन में है उनमें 3 बड़े सायरन ड्रोन से मेला क्षेत्र की निगरानी की जाएगी। संपूर्ण मेला क्षेत्र में 333 जो सीसीटीवी में भी लगाए गए हैं। सुरक्षा की बात करें तो 11 कंपनी PSC और 7 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स, 2 टीम ATS, इसके अलावा उत्तराखंड पुलिस के करीब 900 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। इसके साथ साथ जाम की समस्या से निपटने के लिए हरिद्वार प्रशासन ने रूट डाइवर्ट कर दिया गया, जो स्नान के लिए नहीं आ रहे उन्हें दूसरे मार्ग से भेजा जा रहा है। जी इसके चलिए बहुत शुक्रिया सरफराज तमाम जानकारी के लिए। सोमवती अमावस्या स्नान के लिए हमने पूरे जो हमारा मेला क्षेत्र है उसमें 11 सुपर जोन, जिसमें हमारे एडिशनल SP और SP रैंक के अधिकारी होंगे, साथ ही साथ 22 जोनों में उसको डिवाइड किया है। इसके साथ ही उनके सहायक के रूप में भी, सहायक जोनों के रूप में भी 42 लोग इसमें साथ में दिन रात ड्यूटी करेंगे और सेक्टर्स को भी हमने डिवाइड किया 69 सेक्टर्स में, जिसमें 24 सेक्टर्स में दिन रात की जो महत्वपूर्ण सेक्टर्स है घाटों के और हमारे जो अपर रोड है, खड़खड़ी है, वहाँ पर करीब 24 जो है सेक्टर डबल लगाए गए हैं जो दिन रात के उसमें करेंगे। इसी के साथ उत्तराखंड में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।